नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर मैं डॉक्टर डीएन शर्मा जी के साथ इंटरव्यू ले रहा हूं और आप लोगों की क्वेरीज जो कि इतनी सारी आ रही थी ऑर्डर को लेके, तो ये रहा वो ऑर्डर जो हाई कोर्ट में 15 तारीख को आया था। ये हमें तो समझ में आया नहीं, तो हमें लगा कि हमें किसी स्पेशल आदमी से पूछना चाहिए और डॉक्टर डीएन शर्मा जी से ज़्यादा स्पेशल आदमी कोई हो नहीं सकता। तो ये जो पूरा मेरे हाथ में है, जो ऑर्डर आया था 15 मार्च को, इसको लाइन बाई लाइन अपन सर से समझते हैं। सर प्लीज समझाइए इसको। देखिए, इसमें जो सबसे पहला पैरा है, मिस्टर एम इन ड्राफ्टिंग आउट द नेसेसरी रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कंप्यूटर टीचर्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स इन स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जो एडवोकेट जनरल साहब थे, उन्होंने स्टेट के बिहाफ पर, राज्य के बिहाफ पर, सरकार के बिहाफ पर ये बताया कोर्ट को कि भाई जो सरकार है वो कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जो रूल्स हैं उनको बना रही है, वो ड्राफ्टिंग मोड में है, वो ड्राफ्ट हो रहे हैं, ड्राफ्ट उनका बन चुका है या बन रहा है। ये पहला पैरा था। सेकंड पैरा जो है, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है, दिस कोर्ट एक्सप्रेसेस एंजाइटी ओवर द मैटर। ये कोर्ट इस मैटर पर बहुत ही चिंता जाहिर कर रही है, करती है, एंड थ्रो हिम सीक द गवर्नमेंट्स अटेंशन टू द फैक्ट। और इस आदेश के द्वारा या एजी साहब के द्वारा गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो इस ओर आकर्षित करना चाहती है, फैक्ट दैट अनलेस द रूल्स आर फ्रेम्ड वेदर ड्राफ्ट और फाइनल, कि जब तक रूल नहीं बन जाते, ड्राफ्ट और फाइनल, फाइनल हो चाहे ड्राफ्ट हो, लेकिन रूल तो बने, द रिक्रूटमेंट नीड्स टू टेक प्लेस बिफोर द नेक्स्ट एंश्योरिंग एकेडमिक सेशन। ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि भाई रूल्स ड्राफ्ट बने या आपके जो कंफर्म रूल्स बन जाए, फाइनल रूल बन जाए, तो रिक्रूटमेंट जो है वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से पहले होना चाहिए। ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट से भी आप प्रोसेसिंग चालू कर सकते हैं अगर रूल्स फाइनल नहीं हुए तो। ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। देन अलोन द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स इन स्टेट ऑफ राजस्थान कैन टू ए सर्टेन एक्सटेंट बी अचीव। ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि तभी हम जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, उनको कंप्यूटर एजुकेशन का फायदा पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे या जो उसे अचीव कर पाएंगे। ये ऑनरेबल कोर्ट ने पैरा लिखा है। सो द लास्ट पैरा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, जिसमें कि ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है, लर्नेड एडवोकेट जनरल हैज सबमिटेड that he shall file the affidavit stating therein, कि वो लर्नेड एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि he shall file the affidavit stating, कि वो एक शपथ पत्र पेश करेंगे जिसमें कि वो ये बताएंगे that the government shall take all necessary steps, कि government सभी आवश्यक जो steps हैं वो ले in this regard, इस बारे में, ensuring that the rules and regulations, rules and regular recruitment, urgent temporary recruitments are being made, कि जो सभी आवश्यक स्टेप ले लिए जाएंगे, किस पे, किस बारे में, कि रूल्स के लिए और रेगुलर या अर्जेंट टेम्परेरी रिक्रूटमेंट्स आर बीइंग मेड कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन, कि किए जा रहे आर कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस, डायरेक्शंस की पालना करते हो, जो ऑनरेबल कोर्ट ने दिया था 17-1-20 को, 17-1-20 का आदेश था जिसमें कि कैडर बनाने का आदेश था, एंड 16-9-2020 जिसमें कि रूल्स बनाने का आदेश था, इन दोनों की पालना करते हुए और जो भर्ती है जो कि अभी कमिंग एकेडमिक सेशन है, उस एकेडमिक सेशन तक पेश किया जाएगा। The affidavit should be filed on or before the next date. जो next date है उससे पहले या उस दिन affidavit file होगा. List the matter on 5-4-2021. तो complete अगर इसको देखा जाए, तो यहां पर honorable court ने advocate general साहब को यह कहा है कि भाई हमें चिंता है कि किसी भी तरीके से आने वाले जो session है उसमें कंप्यूटर टीचर उपलब्ध कर रहे हैं। और एजी साहब ने कोर्ट को एक कमिट किया
कि आने वाली जो डेट है, नेक्स्ट डेट जो भी होगी, इस नेक्स्ट डेट पर वो एक एफिडेविट फाइल कर देंगे, उसमें वो सारी चीज बता देंगे कि भाई हमारे रूल्स कहां तक पहुंच गए, हम कैसे आने वाले सेशन में भर्ती कर रहे हैं। साथ ही जो कोर्ट के डायरेक्शन है, लास्ट पैरा जो है उसकी लास्ट दो तीन लाइन, बीन मेड विद द डायरेक्शंस ऑफ दिस कोर्ट, डेटेड 17/21, मतलब 17/21 का जो कैडर बनाने का था और 16/9/20 का जो आदेश था जिसमें रूल्स बनाने का था, वो पूरा करते हुए और फिर कमिंग सेमेस्टर में कैसे, कमिंग सेशन में किस तरीके से टीचर्स की भर्ती हो सकती है उसकी बात करेंगे। ये इसका मोटा मोटा मतलब है। तो सर ओवरऑल अपन क्या मान के चले, 5 तारीख को क्या रहेगा? देखिए ये अब थोड़ा सा टफ इशू है, लेकिन मैं जैसे बार बार कहता हूँ भाई, होप के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, खोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो गवर्नमेंट कहे कि भाई रूल्स तो हमने बना लिए, ये तो हमारे रूल्स हैं, ये हमारा कैडर है, लेकिन भर्ती अब इतनी जल्दी नहीं हो सकती, तो अभी हम टेम्परेरी भर्ती कर लें, या अभी हम संविदा पे जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट कर लें। हो सकता है गवर्नमेंट ये बात करे, तो अगर गवर्नमेंट ये कहती है तो निश्चित ही अपन फिर आगे फाइट करेंगे, क्योंकि संविदा पर जो भर्ती है, मेरा ये मानना है कि संविदा पर बहुत ज़्यादा टीचिंग जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। पहले कंप्यूटर साइंस के मैटर में हम देख चुके हैं, स्कूल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती हुई थी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, वो इफेक्टिव नहीं रहा। कहीं स्कूल में है, किसी में नहीं है, किसी में कंपनियों ने 12th पास को ही लगा दिया था, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट को हम ये चीज़ बताएंगे, आगे देखते हैं, लड़ेंगे निश्चित ही। बच्चों को तो कंप्यूटर टीचर मिलना है, अब कितनी लड़ाई के बाद हम सक्सेस हो पाते हैं, लेकिन होप है हमें, ऐसा नहीं है, हम निराश नहीं है, हमें होप है और निश्चित रूप से हम काम कर पाएंगे और रेगुलर टीचर अपॉइंट करवा पाएंगे। थोड़ा टाइम ठीक है, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सही काम है, इसमें कोई गलत नहीं है। और इसके जो दो एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट है कि बच्चों को टीचर मिल रहा है, दूसरा एस्पेक्ट है कि आईटी के बच्चों को जॉब मिल रहा है, तो दोनों ही नेक काम है गवर्नमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, तो कहाँ दिक्कत है, मुझे लगता है होगा, सब ठीक होगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारा इंटरव्यू था डॉक्टर टीएन शर्मा जी के साथ, जो कि कंप्यूटर टीचर वैकेंसी का केस लड़ रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं जिनको कोई सवाल रहता है या मन में कुछ भी है जो पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली सर खुद ही रिप्लाई करेंगे उन सारी कमेंट्स का। तो आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सो दैट इस वीडियो की रीच भी बढ़े और ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को ज़रूरत है, और जो लोग अभी सवालों में घिरे हुए हैं कि टीचर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो गाइज़ आप लोगों से यही उम्मीद है, थैंक यू सो मच।